नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं मौसम के बदलते मिजाज की। जैसा कि आप जानते हैं कि बिपरजॉय चक्रवात के असर से राजस्थान में जोरदार बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं यूपी, बिहार और झारखंड में लू से लोग बुरी तरह से हलकान हैं। बिहार और यूपी में हीट स्ट्रोक से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बिहार में लू ने कोहराम मचा रखा है। स्थिति यह है कि बिहार सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए एडवाइजरी तक जारी कर दी है। लोगों से कहा गया है कि बेहद जरूरी होने पर ही दोपहर में वो घरों से बाहर निकले। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भीषण गर्मी जानलेवा साबित हुई है, तो उत्तराखंड में अगले 5 दिनों का मौसम राज्य पर भारी पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने पूर्वानुमान जारी कर राज्य के जनपदों में 22 जून तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मौसम विभाग ने विशेष एहतियात बरतने की भी सलाह दी है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 4-5 दिनों की गर्मी के बाद आज सुबह हुई बारिश के बाद लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली है। वहीं हरियाणा में चक्रवात बिपरजॉय का असर दिखने लगा है। उत्तराखंड में भी अगले 5 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई से लेकर पूर्वोत्तर तक मॉनसून की बारिश ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। असम में मूसलाधार बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई है। राज्य में 33,000 से अधिक लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। झारखंड में जहां गर्मी की वजह से तो चेन्नई में बारिश की वजह से स्कूल बंद करने की नौबत आ गई है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या मौसम का मिजाज अब बदलता जा रहा है, वो क्या कारण है जिसकी वजह से मौसम में इस तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। साथ ही इस बदलते मौसम का हमारी जो कृषि है, एग्रीकल्चर, उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पर आज हम इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सर, आज जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, सबके मन में यही सवाल उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कि क्या मौसम में जो हम बदलाव देख रहे हैं, पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति है, उत्तर भारत में भयंकर गर्मी की स्थिति है, बिहार, यूपी, झारखंड, इन तमाम राज्यों में हीट स्ट्रोक से कई लोग मर भी गए हैं, दिल्ली की बात की जाए यहां रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, क्या इन तमाम चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं महापात्रा सर कि क्या जो इफेक्ट है, चाहे वो साइक्लोन का इफेक्ट कह लें या इसके पीछे कोई दूसरे कारण है, क्लाइमेट चेंज है, कि मौसम में इस कदर बदलाव देखा जा रहा है, आपकी प्रतिक्रिया। जैसे आपने बताया कि आज की स्थिति ऐसे है कि भारत के बहुत सारे हिस्से में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवर वेदर चल रहा है। इसका वजह यह है कि ये जो फेज है टाइम का, ये मॉनसून एडवांस का फेज है। दूसरी तरफ एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बिपरजॉय जो भी वेस्टर्न पार्ट में बारिश करा रहे हैं और एक डिजास्टर सिचुएशन भी क्रिएट किए हैं। सो जब तक उस एरिया में मॉनसून डेवलप नहीं होता है, स्पेशली ईस्टर्न इंडिया, तब इस पीरियड में टेम्परेचर राइज होता है और हीट कंडीशन डेवलप हो सकता है। तो इसीलिए फॉर लास्ट 5 डेज आप देखेंगे ओडिशा से शुरू करके छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सभी राज्यों में हीट वेव टू सीवियर हीट कंडीशन चल रहा था और आज भी हीट वेव कंडीशन है, जारी है इंटीरियर पार्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिल्कुल झारखंड, ईस्ट यूपी और बिहार के कुछ हिस्सा में। मगर एक सूचना ऐसे है कि जो मौसम का चेंजिंग बिहेवियर जैसे आपने बताया, अभी मॉनसून आगे बढ़ रहा है और आज साउथ ईस्ट मॉनसून ईस्टर्न इंडिया की कुछ हिस्सा जैसे
वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सा, झारखंड के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स और बिहार के अर्जनिंग एरियाज में प्रवेश कर चुका है जी। और हमारा जो पूर्वानुमान है अगले 3 दिन में ये साउथ ईस्ट मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ज्यादातर ईस्टर्न इंडिया कवर करते हुए नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो ईस्ट में पार्ट है वहां भी कवर करने का संभावना है। एट द सेम टाइम साउथ इंडिया में जैसे आपने बताया कि पास्ट 24 आवर्स में हेवी टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल देखने को मिला है तमिलनाडु पुडुचेरी एरिया में। इसके साथ साथ मानसून भी एडवांस हुआ है, आज रायलसीमा साउथ आंध्र प्रदेश कर्नाटक के अंदरूनी इलाके में आज मानसून एडवांस हुआ है, वहां भी साउथ इंडिया में और कुछ मानसून एडवांस करेगा। और जैसे मानसून आ गया था 5 दिन पहले कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऑफ टू साउथ हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम वो सभी एरिया में बारिश जारी है, मानसून सक्रिय है वहां और एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल की वजह से कहां कहां बाढ़ भी आ चुके हैं। और साइक्लोन की वजह से जैसे आपने बता रहे थे कि वेस्टर्न साइड में जैसे गुजरात राजस्थान में बाढ़ की स्थिति पैदा हुआ और आज वेस्ट सेंट्रल, आज जो सेंट्रल पार्ट है जैसे कि वेस्ट मध्य प्रदेश सदर्न पार्ट ऑफ यूपी और हरियाणा जैसे बताए वहां बारिश हो रहा है और तेज बारिश अभी 2 दिन लागू रहेगा वेस्ट मध्य प्रदेश में और राजस्थान में आज के लिए लागू रहेगा। महापात्र सर, मेरा सवाल ये है कि अभी गर्मी का मौसम है, पीक मौसम है, साउथ वेस्ट मानसून जो है वो भी धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिन इलाकों में अभी गर्मी पड़नी चाहिए थी, भयंकर गर्मी होनी चाहिए थी, उन स्टेट्स में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं देखी जा रही है इस हीट को लेकर, इस गर्मी को लेकर। कहीं बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, 2-4 दिनों के इंटरवल पे हो रही है, कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति आ गई है, इसके पीछे मैं चाह रहा था, इसके पीछे रीजन क्या है? इसका पीछे रीजन यही है कि ये जो टाइम है इसमें बहुत सारे वेदर डिस्टर्बेंसेस इकट्ठा इंडिया के ऊपर एक्टिव है। जैसे हम बताया कि मानसून भी अभी एक्टिव फेज में है, आगे बढ़ रहा है, साइक्लोन भी था, इसके साथ साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर जैसे जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे आपने बताया उत्तराखंड वगैरह में भी हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। मगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करें, क्लाइमेट चेंज की जो इम्पैक्ट है इसका इम्पैक्ट यही है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है और हीट वेव फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन बढ़ रहा है। और जैसे हम प्रेडिक्ट किए थे ऐसे इस बार ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा हीट वेव देखने को मिल रहा है और ये हीट वेव शायद लास्ट स्पेल होगा ईस्टर्न इंडिया के लिए जब ये मानसून अभी एडवांस कर रहा है। मगर रेनफॉल की बात करें, जो हैवी रेनफॉल हो रहा है, ये हैवी रेनफॉल का फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रहा है मानसून सीजन में। आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में हैवी रेनफॉल फ्रीक्वेंसी ओवर द इयर्स बढ़ रहा है। अगर ये जो इवेंट अभी हो रहा है ये एक्सपेक्टेड है, जब ऐसे कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है कि साइक्लोन आता है कि मानसून एडवांस करता है, ऐसे हैवी रेनफॉल देखने को मिलते हैं। बड़ी बात यह है कि हम इसको पूर्वानुमान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इफ इसको पूर्वानुमान नहीं कर पा रहे देन ये उपलब्ध उसके हिसाब से उसमें ये कहा गया है कि जो आपका वेस्टर्न सी है, अरेबियन सी, पहले जो साइक्लोन्स आते थे वो मोस्टली बंगाल की खाड़ी में आया करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अब इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे वो आप बता सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अरब सागर में जो तूफान आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, जो हीट है, जो सी टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और शायद इसलिए मौसम विभाग के लिए भी ये पूर्वानुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया है कि कब बारिश होगी, कब इस तरह की चीजें होंगी। क्या ये बातें सही हैं? ये बात फुल्ली सही नहीं है, पूरा तरह सही नहीं है, मगर ये सही है कि अरब सागर में जो इंटेंस साइक्लोन है, एक्सटेंड सीवर साइक्लोन स्टॉर्म जो है, इनका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है 1990 से, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और इंक्रीज ट्रेंड को देखते हुए आप देखेंगे रिसेंट इयर्स में कि क्या एक सुपर साइक्लोन था अरबियन सी में और अभी ये एक्सटेंड सीवर साइक्लोन था विपर्जय और ताउते 2021 में था, सो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है इंटेंस साइक्लोन से, बट टोटल फ्रीक्वेंसी देखेंगे अरबियन सी में इसमें कोई चेंज नहीं है, टोटल फ्रीक्वेंसी समान है जैसे पहले जैसे बढ़ रहा था। टोटल 5 साइक्लोन्स यूजुअली डेवलप होता है बे ऑफ बंगाल अरबियन सी को लेकर, इसमें 4 साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में और 1 साइक्लोन अरबियन सी में होता है, पर बे ऑफ बंगाल साइक्लोन जो होता है उनका इंटेंसिटी में ज्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रहा है, मगर अरबियन सी साइक्लोन का जो इंटेंसिटी है इसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है।
मगर इसका जो पूर्वानुमान है, इसका आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन बरजे था, इसका जेनेसिस हम 15 दिन पहले बताए थे 8 जून को कि ऐसे कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, जेनेसिस होने वाला है। फिर 6 तारीख को जब डिप्रेशन बना, इससे हम ये इंफॉर्मेशन दे दिए गुजरात गवर्नमेंट तक, सभी वेस्ट कोस्ट स्टेट्स को, कि ये उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है। फिर 11 तारीख सुबह हम ये इंफॉर्मेशन दे दें कि जखौ के पास साइक्लोन हिट करेगा कच्छ कोस्ट को। इसके ऊपर एक्शन लेते हुए गुजरात गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर स्टेक होल्डर्स ये एंश्योर किए कि लॉस ऑफ लाइफ न हो और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी कम हो जाए। सो इसलिए मैं बोलूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये डिफिकल्ट हो रहा है, बट ऐसे हो सकता है कभी कभी साइक्लोन का डिफिकल्टी लेवल, फोरकास्ट डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रैक कभी रिकवरिंग टाइप होता है जैसे साइक्लोन पोर्टे था। मगर आप कंपेयर करेंगे, जैसे साइक्लोन 1998 का कंपेयर करें, सेम साइक्लोन कांडला के पास गया था, सेम इंटेंसिटी के आ रहे था, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। दुनिया का दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करेंगे, कोई देश ऐसे 15 दिन पहले एक सूचना नहीं देता है कि एक साइक्लोजेनेसिस हो रहा है, और 5 दिन पहले हम लैंडफॉल फोरकास्ट दे रहे हैं कि ये जखौ के पास एक वेरी सीवियर साइक्लोस्टॉर्म जैसे तट को पार कर सकता है। महापात्र सर, वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो सर आपसे एक दो सवाल और हैं। मसलन कि इस तरह के जो इफेक्ट्स हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसका एग्रीकल्चर पे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसका जो इम्पैक्ट है वो एग्रीकल्चर के साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी कितना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में इस तरह के जो साइक्लोन्स हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, क्या वाकई क्लाइमेट चेंज एक बड़ा कारण है इस तरह के बदलाव के पीछे, जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं इसके बदलाव के पीछे, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन सर उससे पहले एक रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. Sang sang chalo, badhte raho. Yoga sabhi karte raho. Sang sang chalo, badhte raho. Yoga sabhi karte raho. Yoga. योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मौसम का असर, जिस वजह से हम आप सभी देख रहे हैं कहीं लू की स्थिति है, कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं बारिश हो रही है, इसके पीछे क्या कुछ कारण हैं, और इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान डॉक्टर महापात्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि महानिदेशक हैं भारतीय मौसम विभाग के। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले सर, जो मैंने 2 पॉइंट्स उठाए थे कि इस तरह के जो बदलाव हैं मौसम में, जो हो रहे हैं बदलाव, इसका आने वाले दिनों में हमारे जो, चूंकि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की 60% से ज़्यादा आबादी एग्री पर डिपेंडेंट है, उनकी रोजी रोटी वहीं से चलती है, ऐसे में इस तरह के जब मौसम के बदलाव होंगे, बेमौसम बारिश होना, बेमौसम इतनी ज़्यादा 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर का पहुँच जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी होना, इसका इम्पैक्ट भारत की कृषि पर आप सर कैसे देखते हैं? जरूर, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मौसम का जो बदलाव होता है इसका प्रभाव होता है, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से जो टेम्परेचर अभी तक राइज हुआ है हमारे कंट्री में वो लगभग 0.66 डिग्री सेल्सियस पर 100 ईयर्स है, और पूरा दुनिया का हम कंसिडर करें तो लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अभी तक राइज हुआ है पास्ट 100 ईयर्स में। सो ये जो टेम्परेचर राइज होता है इसका प्रभाव हमारा जो कृषि होता है, जैसे धान हो कि गेहूं हो, इसका डिफरेंट स्टेजेस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यील्ड की बात करें, जो
टेडी का जो गेल है जी, तो टेम्परेचर राइज होता है, 1 डिग्री राइज होता है, तो इसमें लगभग 6-7% इसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। इसका रीजन यही है कि टेम्परेचर राइज होने से जो हार्वेस्टिंग स्टेज पे कि फ्लावरिंग स्टेज पे जो जरूरत होता है तो कभी कभी नहीं मिल सकता है, जैसे टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट, कीमर्स रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंगली जो अर्ली मेच्योरिटी हो जाता है और इसका यील्ड कम हो जाता है। स्पेशली आपका कोई हॉट वेदर कंडीशन रहे कि हीटवेव कंडीशन रहे, जो कि क्लाइमेट चेंज वातावरण में ज्यादा फ्रिक्वेंट और ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है, ज्यादा इंटेंस हो जाता है, तब मेच्योर स्टेज में ऐसे कंडीशन रहे तो अर्ली मेच्योरिटी हो जाता है, अकॉर्डिंगली यील्ड जो है कम हो जाता है। यही केस में दिखाया गया गेहूं के लिए भी जो प्रोजेक्शन है, जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है तो गेहूं का यील्ड भी कम हो जाता है 5-10%। हम भी ये देखे हैं, जैसे लास्ट ईयर मार्च का बात करें जबकि गेहूं प्रोडक्शन के टाइम पर माने टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और अकॉर्डिंगली गेहूं का जो यील्ड है वो कम हो गया था। तो इसलिए जो फाइनल टारगेट जो है ये प्रोडक्शन हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इसमें प्रभावित हो सकता है। आप बोल सकते हैं कि जो रेनफॉल तो चेंज नहीं हो रहा है मगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो जो गेहूं हो कि पेड़ी हो कि दूसरे टाइप का जो हमारा अनाज हो, ये सभी में ज्यादातर ऐसे ही प्रोडक्ट इम्पैक्ट होता है टेम्परेचर की वजह से, रेनफॉल की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से और क्लाउडीनेस की वजह से। जो प्रोजेक्शन है कि टेम्परेचर और बढ़ सकते हैं और परहैप्स बाई नेक्स्ट 20 ईयर्स टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा, इसकी वजह से और एक्सलरेटेड हो सकते हैं जो लॉसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में। फिर हमारे जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होता है और जो कैश क्रॉप्स होता है वो सभी के ऊपर भी जो टेम्परेचर राइज होने से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। और इसके साथ साथ जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इरीगेशन एरिया में जो टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा जो इन्वेस्टमेंट है इरीगेशन के लिए वो भी बढ़ जाता है, जैसे आपको ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होगा, ज्यादा वाटर देना पड़ेगा। और फिर ग्रोथ स्टेज में आपका कोई स्ट्रेस आ जाए, जैसे रेनफॉल कम हो गया कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो फिर आपको फर्टिलाइजर और इसके लिए भी ज्यादा खर्चा कुछ पे स्ट्रेस पड़ता है, तो जो आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है और यील्ड भी कम हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं कि देखिए टेम्परेचर बढ़ने से क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है एग्रीकल्चर पे, उसके आउटपुट पे भी तो पड़ता ही है, जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर नहीं है किसानों के लिए। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार इस दिशा में सोच रहे हैं कि कैसे इस जो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट रेजिलियंट अगर हम क्रॉप्स को लाएं आने वाले दिनों में तो वो ज़्यादा कारगर साबित होगा। सर, हम आपसे एक दो सवाल और भी कहेंगे पूछेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। ऋषि मुनियों की दीर्घ आयु का योग है आधार, स्वस्थ तन और मन से बदले जीवन का आकार, कर योग रहे निरोग, बीपी शुगर मोटापे को योग ही घटाए, दिल की बीमारी और तनाव भी अंतर हो जाए, योग और ध्यान है समाधान, कर योग। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी। हर बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले से भी बड़ा होते गया है और अब ये दुनिया में योग ने अपना जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी 21 जून को शामिल हो जाइए और दुनिया का ये जो योग उत्सव को बड़े आकार में उसको सजाइए।
और अपने बस्ती में हो, गली में हो, हर घर की आंगन में आप योग अभ्यास में जुड़ जाइए। योग सारे दुनिया को जोड़ते हैं, सारे भेदभाव को मिटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने ये साबित किया है कि ये दुनिया को जोड़ सकते हैं, और ये भी साबित किया है कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए पांच की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। पापा पापा, क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था, और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाओ पापा। अरे बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। हमारे साथ मिड प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ऋषि मुनियों की दीर्घ आयु का योग है आधार, स्वस्थ तन और मन से बदले जीवन का आकार। कर योग, रहे निरोग, बीपी शुगर मोटापे को योग ही घटाए, दिल की बीमारी और तनाव भी छुमंतर हो जाए। योग और ध्यान है समाधान, कर योग। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। महापात्र सर, आखिर में समय की कमी है, अल नीनो का इफेक्ट भी कहा जा रहा है इस बार भारतीय मॉनसून पे, इसका क्या कुछ आप इम्पैक्ट देखते हैं मौसम पे और रेनफॉल पे? अल नीनो जो है इसका एडवर्स इम्पैक्ट रहता है मॉनसून के ऊपर। मॉनसून सीजन का रेनफॉल देखें तो लगभग 60% ईयर्स में जब अल नीनो कंडीशन होता है जी, तब मॉनसून रेनफॉल ऑल इंडिया के लिए बिलो नॉर्मल रहा है। okay. और 40% ऐसे 35-40% ऐसे ईयर्स भी रहा पास्ट में जब अल नीनो होते हुए भी रेनफॉल नॉर्मल या एवर नॉर्मल भी हुआ है जी। इसका रीजन यही है कि अल नीनो के अलावा और बहुत सारे लार्ज स्केल फैक्टर्स होता है, रीजनल फैक्टर्स होता है, जो कि इंडियन मॉनसून रेनफॉल को प्रभावित करता है जी सर। और ऐसे भी अभी वीक एल नीनो कंडीशन डेवलप हो रहा है, और पूर्वानुमान जो पहले हमारा था अभी जारी है कि मॉनसून सीजन के अंदर मॉडरेट एल नीनो कंडीशन डेवलप हो सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या कुछ होगा वो हम आगे मौसम विभाग की तरफ से आप बताइएगा टाइम टू टाइम भी क्या कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन सर फिलहाल समय की इतना ही हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महापात्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसके साथ इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
Thank you.